अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। नेक्स्ट, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम चैप्टर नंबर 5 ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें जो हमारा टॉपिक है नर्वस सिस्टम का, तो फिफ्थ पोर्शन है उसका नर्व इंपल्स, उसका जो सेकंड पार्ट है एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, उसको डिस्कस करेंगे। और जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें हमने डिस्कस किया था रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को, तो आज जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि एक्शन जो एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ये क्या होता है। क्लियर? तो याद रखें कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है, दीज आर द रिवर्स कंडीशंस, कि ये जो है टोटली ऑपोजिट कंडीशंस हैं। किस तरह से कि अगर हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात करें, तो जो न्यूरॉन की जो सेल मेम्ब्रेन है उसके इनसाइड जो है वो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होता है, जबकि आउटसाइड जो है वो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो अगर हम यानी कि एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात करें, तो इनसाइड जो है वो पॉजिटिव हो जाता है और आउटसाइड जो है वो नेगेटिव हो जाता है। अब एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है इसमें इस तरह होता है कि जो न्यूरॉन की सेल मेम्ब्रेन है उसके इनसाइड जो है पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है और नेगेटिव चार्ज जो है वो कम हो जाता है। इसकी वजह यह है कि एक स्टिमुलस के अकॉर्डिंग ये सारा काम होता है, और वो जो स्टिमुलस है वो एक थ्रेशोल्ड स्टिमुलस होता है जो कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को कन्वर्ट कर देता है एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल के लिए, एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल में। और ये सारा काम जो एक मिली सेकेंड्स के लिए होता है, ठीक है, और यानी कि फर्दर ये फौरन जो है वो चेंज हो जाता है। और ये थ्रेशोल्ड स्टिमुलस जो है ये एक न्यूरॉन के एंड पे अप्लाई होता है, जिससे थोड़े से वक्फे के लिए, वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है ये एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल में कन्वर्ट होती है, जिसके ज़रिए जो नर्व इम्पल्स है वो जनरेट होती है। तो इसमें एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल में क्या होता है कि नर्व इम्पल्स जो है ये कंडक्ट होती है, यानी इसमें कंडक्शन का काम होता है, जबकि अगर हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को जैसे हमने डिस्कस किया तो वहाँ पर कोई भी नर्व इम्पल्स जो है वो कंडक्ट नहीं होती, जबकि एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है यहाँ पर नर्व इम्पल्स जो है वो कंडक्ट होती है ड्यू टू द चेंज इन द कंडीशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन, ठीक है। तो इसमें मैंने जैसा कि आपको ऑलरेडी बताया कि एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल की अगर आप बात करें, तो इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन जो है वो पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, जबकि आउटसाइड जो है वो नेगेटिव चार्ज जो है वो कंसिडर किया जाएगा। तो इसमें हम थोड़े से फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं, लाइक जैसे कि सेम इसमें अगर हम देखें तो सोडियम आयंस और पोटाशियम आयंस की जो मूवमेंट है, अब इसमें कुछ थोड़ी सी ऑल्टर कंडीशंस हैं कि लाइक अगर हम सोडियम की बात करें और साथ में हम बात करें पोटाशियम की मूवमेंट की, अब इसमें ये होता है कि सम न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट जो हैं उनका ख्याल ये है कि लाइक अगर हम इस तरह से मेम्ब्रेन की बात करें, तो मेम्ब्रेन जो है इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं इस तरह से, इन पोर्स को उसने नाम दिया सोडियम गेट्स का, सोडियम गेट्स एज वेल एज पोटाशियम गेट्स, ये दो गेट्स होते हैं। अब जब अंदर वाली साइड से यानी कि सोडियम गेट्स जो हैं वो ओपन होंगे, क्लियर, तो क्या काम होगा कि जो सोडियम है वो ज़्यादा एंटर होंगे और पोटाशियम जो है वो कुछ आउट मूव करेंगे। तो जब इनसाइड सोडियम जो है वो ज़्यादा एंटर होंगे, ठीक है, तो इसका मतलब ये है के अंदर की तरफ जो पॉजिटिव चार्ज है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज जो है वो कम हो जाएगा, और साथ ही साथ कुछ पोटाशियम जो है, कुछ अमाउंट ऑफ पोटाशियम जो है वो आउट भी मूव करेंगे, ठीक है। तो जब सोडियम गेट्स ओपन होंगे तो सोडियम जो है वो आउटसाइड से इनसाइड की तरफ ज़्यादा मूव करेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से अगर आप देखें तो हमारे पास इनर साइड पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो बढ़ जाएगा एज कम्पेयर टू नेगेटिव चार्ज, क्लियर। तो इस तरह से सोडियम और पोटाशियम की जो मूवमेंट है वो भी कॉज करती है इनर पॉजिटिव चार्ज की इंक्रीज होने को, ठीक है। तो इसी तरह साथ अगर हम देखें तो और भी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं कि जो चार्जेस जो हैं वो भी रिवर्स हो जाते हैं, चार्जेस आर रिवर्स, वो किस तरह से, लाइक अगर आप इस तरह से मेम्ब्रेन की बात करें कि ये आपके पास ये इसकी आउटसाइड है और ये इसका जो है इनसाइड है, क्लियर, आउटसाइड एंड इनसाइड। हम ये कहते हैं कि आउटसाइड इसके पॉजिटिव चार्ज चल रहा है और इनसाइड इसके अल्टरनेटली नेगेटिव चार्ज चल रहा है, सेम इस तरह से यहां पे भी। अब हुआ क्या है कि इस पार्ट पर आकर, यहां पे आके
एक इतने से हिस्से पे लगा एक स्टिमुलस, वो स्टिमुलस जो था वो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस था, क्लियर, जिसने क्या किया कि आउटर हमारे पास आगे नेगेटिव और इनर फिर हमारे पास कौन से आ जाएंगे पॉजिटिव, और फिर सेम कंडीशन वैसे ही चलती रहेगी, आउटर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव एंड सेम, इस तरह से ये सिचुएशन जो है ये आगे से फिर चलती रहेगी। तो ये कंडीशन जो थी यहाँ पे, अगर आप ये चीज़ नोट करें तो ये वो हमारे पास स्टिमुलस था जिसने क्या किया कि इनसाइड जो है वो पॉजिटिव आयन बढ़ गए और आउटसाइड जो था नेगेटिव चार्ज बढ़ गया। तो ये जो था एक बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो है ये आएगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये सारा पीछे से आ रहा था रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जिसमें आउटसाइड पॉजिटिव थे ज़्यादा और इनसाइड ज़्यादा नेगेटिव थे। यहाँ तक जो था क्या था, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आ रहा था। जैसे ही एक थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आया और हुआ क्या कि पॉजिटिव आयन जो है वो इनसाइड मूव करने शुरू हुए, तो अंदर वाली साइड पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया और बाहर की तरफ आ गया नेगेटिव चार्ज, और फौरन ही फिर आगे जो है वो फिर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सारा काम जो ये वक्फे वक्फे से होता है, ठीक है, कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल चल रही होती है, फौरन ही एक्टिव पोटेंशियल आ जाता है, ठीक है। तो ये सारा काम जो है ये एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है और ये होता है एट सेवरल डिस्टेंस पे, क्लियर। तो ये होता है जिसमें चार्जेस जो है वो रिवर्स हो जाते हैं। इसमें और फीचर्स अगर आप देखें तो यहाँ पे ये जो सोडियम और पोटाशियम गेट्स की जो ओपनिंग और क्लोजिंग है उसका कुछ यहाँ पे दिखाया हुआ है कि अगर आप यहाँ पर देखें तो ये आपको मिलीवॉट्स में दिखाया जा रहा है और ये टाइम इसका। इसमें अगर आप देखें तो फर्स्ट स्टेट है पोलराइज्ड स्टेट, सेकंड है डीपोलराइज्ड स्टेट, थर्ड जो है वो हमारे पास आ जाती है एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल की स्टेट, फोर्थ हमारे पास है रिपोलराइजेशन की, और फिफ्थ है रिकवरी की। अब इसमें होता क्या है कि यहाँ पे अगर आप इस पोजीशन पे देखें ना, तो इस पोजीशन पे वो आपको दिखा रहा है रेस्टिंग जो पोटेंशियल होता है, ठीक है। अब जैसे ही सोडियम गेट्स ओपन होते हैं, और जब सोडियम गेट्स ओपन होते हैं तो सोडियम जो है वो मेम्ब्रेन के इन साइड ज़्यादा मूव करते हैं, जिसकी वजह से डीपोलराइजेशन का जो रेट है वो बढ़ जाता है। और जब डीपोलराइजेशन का रेट बढ़ जाता है तो एक पॉइंट वो आता है जहाँ पर एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट होती है, उसको हम कहते हैं यहाँ पर प्लस 50 मिलीवोल्ट। यानी कि यहाँ से हमें पता चलता है कि ये एक्टिव पोटेंशियल का रेट है, जहाँ पर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से कन्वर्ट हो जाएगी वो किस पे, एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे। क्यों? क्योंकि इस रेट में क्या हो रहा है कि सोडियम गेट्स ओपन हो रहे हैं, तो जब सोडियम गेट्स ओपन होंगे तो डीपोलराइजेशन का रेट बढ़ेगा, क्योंकि सोडियम ज़्यादा एंटर होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट होगी। और वो एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो किस पॉइंट पे जाकर आएगी, वो आएगी प्लस 50 मिलीवोल्ट पे, या इसे हम प्लस 0.05 वोल्ट भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ तक ये काम था कि सोडियम गेट्स जो हैं वो सोडियम गेट्स ओपन हैं, ठीक है, और पोटाशियम गेट्स क्लोज। सेम इस तरह यहाँ पर क्या होगा कि जो सोडियम गेट्स हैं यहाँ पर क्या करेंगे, क्लोज हो जाएंगे। जब सोडियम गेट्स क्लोज हो जाएंगे तो इसका मतलब है कोई भी सोडियम एक्स्ट्रा एंटर नहीं होगा, अब जो पोटाशियम है वो आउट मूव करेंगे और रिपोलराइजेशन का जो है वो रेट बढ़ जाएगा, और फिफ्थ पॉइंट पे आकर क्या होगी, रिकवरी हो जाएगी। याद रखें कि जो 0.2 डीपोलराइजेशन का और 0.5 जो है ये तकरीबन 2 to 3 मिली सेकेंड्स लेता है अकरेंस में, और यहाँ पर अगर आप देखें -50 मिलीवोल्ट ये होती है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की स्टेट, और प्लस 50 जो आपको यहाँ पर शो हुआ ये क्या थी, आपकी एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल का जो रेट है, क्लियर। तो इस तरह से भी ये प्रोसेस जो है ये शो होता है। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर नर्व इम्पल्स जनरेट हुई है और वो एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल से थी, तो इसको हम कहते हैं कि जो यहाँ पर इम्पल्स जनरेट होगी वो होगी एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल से। और इसके अलावा अगर हम देखें तो नर्व इम्पल्स की फॉर्म में और मेम्ब्रेन पोटेंशियल यहाँ पर, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया ये इस जो हमारा ग्राफ था इसके मुतालिक, तो आपसे अगर पूछा जाए कि डीपोलराइजेशन के वक्त पोटाशियम गेट्स ओपन होंगे या सोडियम गेट्स, तो डीपोलराइजेशन के वक्त सोडियम गेट्स ओपन होंगे। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो सोडियम गेट्स हैं वो क्लोज कब होंगे, तो वो होंगे रिपोलराइजेशन की स्टेट में। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो पोलराइज स्टेट है वो एक्टिव पोटेंशियल की है या रेस्टिंग, तो वो है रेस्टिंग स्टेट की, क्लियर। तो इसके अलावा -50 मिलीवोल्ट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पे और +50 जो है मिलीवोल्ट वो किसके, एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल के,
ये उसका रेट है। इसके अलावा अगर हम देखें तो कुछ न्यूरॉन्स जो हैं वो माइलिनेटेड होते हैं। माइलिनेटेड न्यूरॉन्स जो है इसमें ये होता है कि न्यूरॉन्स जो हैं इनमें माइलिन शीथ होती है जो कि फैटी शीथ होती है। अब इसमें क्योंकि जो फैटी एसिड की जो फैट्स की शीथ है ये क्योंकि कंडक्टर और इंसुलेटर का इसमें रोल आ जाता है, तो इसमें क्योंकि ये ज़्यादा तौर पर उसको कंडक्ट नहीं कर पाती, इंसुलेटर होती है फैट्स की लेयर, इंसुलेटर होती है जिसकी वजह से अब जो नर्व इंपल्स है वो जंपिंग करती हुई जाती हैं। जो क्योंकि कुछ ऐसे न्यूरॉन है जैसे कि लाइक अगर हम बात करें, ये हमारे पास इस तरह से पॉइंट्स आ जाते हैं, ठीक है, लाइक ये। अब ये हमारे पास अगर हम देखें तो ये हमारे पास ये सर्टेन पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये पॉइंट्स जो हैं इनको हम कहते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर, नोड्स ऑफ रेनवियर, ठीक है। और इसके ऊपर जो इस तरह से क्या होती है माइलिन शीथ, इस तरह से इसके भी, ठीक है। अब ये जो माइलिन शीथ है ये लेयर होती है फैट्स की, और फैट्स आपको पता है कि ये इंसुलेटर के तौर पर काम करते हैं। अब इसी वजह से जो नर्व इंपल्स है वो क्या करती है कि जंपिंग करती हुई इस तरह से इसके ऊपर अक्रॉस करती हुई एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे ट्रांसफर होती है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये जो जंपिंग इंपल्सिस हैं दीज आर द सल्टेटरी जंपिंग इंपल्सिस, के वो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स की वजह से वो जंपिंग करती हुई जो है वो पास आउट होती हैं फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द अदर न्यूरॉन। इसके अलावा जैसे कि द चेंजेस अकर अलॉन्ग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन टिल द इंपल्स रीच साइनैप्स। Soon after passage of the impulse, the resting membrane potential is stored by the movement of a small number of ions, especially potassium, moving out. जैसे कि यहाँ पर हमने already discuss किया, this neuron now is ready to conduct another impulse. तो ये सारे points हमने discuss कर लिए। इसके अलावा nerve impulse जो है उसके मुतालिक एक important point ये है कि nerve normal person में जो speed है nerve impulse की वो कितनी है। तो याद रखें कि जो normal person है उसमें जो speed है nerve impulse की वो है 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, जबकि मैक्सिमम जो रिकॉर्ड की जाती है वो है 120 मीटर पर सेकेंड। अगर आपसे नॉर्मल स्पीड पूछी जाए पर्सन की तो वो है 100 मीटर पर सेकेंड, और अगर आपसे मैक्सिमम स्पीड पूछी जाए तो वो है 120 मीटर पर सेकेंड, क्लियर। तो ये हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक था रेस्टिंग मेम्ब्रेन एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल का, के जो कि नेक्स्ट स्टेप आता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से आगे। लाइक जैसे कि अगर आप ये बात करें, ये है एक्टिव स्टेट की और ये है रेस्टिंग स्टेट, ठीक है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ये है और ये आपके पास जो पार्ट आया ये क्या था एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल का। तो ये हमारे पास जो टॉपिक था एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल का, ये हमारे पास जो है ये क्लियर हो गया, जो कि आगे टॉपिक था नर्व इंपल्स का। तो ये हमारा जो है वो क्लियर हो गया, जिसमें हमने नर्व इंपल्स का जो टॉपिक है जिसमें हमने रेस्टिंग को प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था, और एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो हमारा अब हमने उसको डिस्कस कर लिया। तो इसमें जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो भी आपके जो है वो इन्हीं में से आपसे जो क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। जो आपका टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया। ओके, थैंक्स।